मैं जानता हूं कि आप शास्त्रों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन क्या आप इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि आपने अपने जीवन में हर कार्य शास्त्रों के आधार पर ही किया है? नहीं, आप नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जब शास्त्रों की रचना हुई थी तब समाज की सच्चाइयां कुछ और थीं और आज के दौर में कुछ और हैं। अरे, इतने वर्षों तक हम पे तुर्कियों, मुगलों, पुर्तगालों पर अंग्रेजों ने शासन किया है और हमें बहुत सी नई चीजें सिखाई हैं, हमें आईना दिखाया है, उन्होंने हमें हमारी अच्छाइयों और बुराइयों से रूबरू कराया है। अरे, यहां तक कि उन्होंने हमें हमारी कमजोरियों और शक्तियों तक का एहसास कराया है। और सच तो यह है कुलकर्णी सरकार, आज हम बदलाव की उस दहलीज पर खड़े हैं कि आज अगर हम यहां से आगे नहीं बढ़े ना, तो आने वाले समय में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जानते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे समाज को क्या होगा? स्त्रियों को पुरुषों के बराबर सम्मान और बराबरी का दर्जा मिलेगा। अरे, जब एक विदुर को दूसरा, तीसरा, चौथा विवाह करने से कोई नहीं रोकता, तो फिर स्त्रियों के लिए इस पर प्रतिबंध क्यों? जब आप इसका उत्तर नहीं दे सकते तो सहमति दीजिए, मुझे चीयू के साथ विवाह करने की अनुमति दीजिए,